आज हम बना रहे हैं चिकन बेली राम। चिकन ले रहे हैं हम करी कट 900 ग्राम। अब हम लेंगे सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 चम्मच, ये 1 चम्मच क्रश ग्रीन चिली, 200 ग्राम कटा हुआ प्याज। बेली राम एक मटन की डिश है जिसे मैरिनेट करके बनाया जाता है और मैं आज आपको चिकन का वर्जन दिखा रहा हूँ। धनिया पाउडर और ये 1.5 चम्मच है, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच क्रश किया हुआ ब्लैक पेपर, 1 चम्मच लाल मिर्च, पिंच हल्दी ज़्यादा नहीं, गर्म मसाला 1/2 चम्मच और 1 चम्मच कसूरी मेथी। और हम अब डालेंगे फेटी हुई दही। बेली राम दही में बनता है प्याज के साथ और मसालों के साथ, और मैं ले रहा हूँ 500 ग्राम दही। ऊपर से डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। आइए अब मैरिनेशन कर लेते हैं। चिकन को अच्छे से मैरिनेट करना है। अब हम मिलाएंगे थोड़ा सा ब्राउन ओनियन भी। चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है, अब हम इसे 1 घंटे के लिए बाहर छोड़ेंगे और फिर पकाया जाएगा चिकन बेली राम। चिकन बेली राम को बनाने के लिए मैं ले रहा हूँ लगन और डाल रहे हैं घी, और घी ले रहे हैं हम 150 ml। घी गर्म हो गया है, मैं डाल रहा हूँ 2 तेज़पत्ता तोड़ के, 2 दालचीनी के टुकड़े, 5 हरी इलायची हाथ से खोल के, 5 लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा क्रैकल होने देते हैं। मसाले क्रैकल हो रहे हैं। और अब मैं डालूंगा साबुत धनिया 2 बड़े चम्मच। अब हम हल्का सा डालेंगे देगी मिर्च थोड़ा कलर के लिए, और तुरंत हम डाल देंगे अपना मैरिनेटेड चिकन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेली राम एक मटन की डिश है और हम बना रहे हैं चिकन में, तो चिकन में टाइम कम लगता है इसलिए हमने मसालों को घी में भुना। अदरवाइज अगर मटन है तो आप मैरिनेशन के समय ही सारे मसाले कूट के डाल दें और चिकन को पकने देते हैं। चिकन में उबाल आ गया है, दही की डिश है, सो एक डायरेक्शन में बीच बीच में घुमाना है। ढक्कन आँच को कर देंगे स्लो, पकने देंगे 40 मिनट तक स्लो आँच में। ढक्कन हटाते हैं और ये देखें दही और चिकन ने अच्छे से पानी छोड़ दिया है, और देख भी लेते हैं। ये देखिए अभी चिकन कम से कम 50% पक गया है, और पकाना है हमें 1/2 घंटा, तब तक ये प्याज थोड़ा घुट जाएगा। ढक्कन लगाते हैं, पकने देते हैं, और ये ढक्कन हटाते हैं और भूनते हैं। आप देख सकते हैं प्याज घुटने लग गया है, और इसमें अब भुनाई मायने रखती है, और चिकन कम से कम 90% से ऊपर पक चुका है। चिकन को मसालों के साथ अच्छे तरीके से भून लिया गया है, और अब मैं डालूँगा थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा, ताकि जो बचा हुआ कसर है प्याज में वो पक जाए। सो 1 कप के आसपास पानी डाला हमने, अच्छे से चला लेते हैं। बेली राम एक शेफ का नाम था जिसे महाराजा रंजीत सिंह काफ़ी पसंद करते थे। उनके हाथ का बना हुआ मीट उन्हें बहुत पसंद था और उन्होंने उस मीट का नाम उस शेफ के नाम पे रख दिया। अब आप इसकी रंगत को देखिए, आपको अब ग्रेवी दिखने लग गई होगी। अब हम डालेंगे कुछ कटा हुआ हरा धनिया और कुछ कटी हुई ग्रीन चिली, चला लेते हैं। चिकन बेली राम बन के तैयार है, आइए प्लेटिंग करते हैं। आइए सर्व करते हैं चिकन बेली राम। बेली राम अपने आप में एक लेजेंडरी डिश है, और मैंने आपको इसका चिकन का वर्जन बना के दिखाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे बनाएं और हमारे चैनल को बताएं कि आपको ये कैसा लगा। चिकन को हम गार्निश करेंगे कुछ जिंजर जूलियंस के साथ। आप हमारे चैनल को इसी तरीके से लाइक करते रहिए, फॉलो करें।